हेलो नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य जो है वो पूरे भारत में जो है वो मौसम किस प्रकार से रहने वाला है, यानी कि अगले एक महीने के दौरान जो है भारत के तमाम राज्यों में मौसम किस प्रकार से रहेगा और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर लो प्रेशर डिप्रेशन की क्या संभावनाएँ जो है वो अक्टूबर के अंतर्गत रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। अभी जो है आप मैप के माध्यम से समझ पाएंगे कि अक्टूबर महीने के दौरान जो है वो कहां पर कितनी बारिश भारत के तमाम राज्यों में दर्ज की जाएगी। अभी जो है आप ब्लू कलर में यानी कि नीले कलर में आप देख पा रहे हैं, गहरे नीले कलर में जो है इन इलाकों में जो है वो भारी वर्षा की संभावना, यहाँ पर जो है वो सामान्य से ज़्यादा बारिश अक्टूबर के दौरान देखने को मिलेगी, जिसमें जो है वो मध्य भारत के साथ साथ जो कि उत्तर भारत का जो इलाका है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के भी कई इलाकों में जो है वो इन भागों में जो है वो सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। सामान्य बारिश जो है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, गुजरात कच्छ रीजन में और साथ ही जो है वो केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में जो है वो सामान्य बारिश से जो है वो आसपास या फिर उससे भी नीचे बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है वो आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के गिलगित पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में जो है सामान्य से कम बारिश रहेगी और साथ ही जो है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन पर भी कम बारिश की संभावना है। इसी के साथ साथ जो है वो कुछ इलाकों में जो है वेस्ट बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में जो है वो बारिश की गतिविधियां जो है वो सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ा ऊपर नीचे गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जबकि अक्टूबर के अंतर्गत जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश की अगर हम बात करें तो जो कि ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, इस रीजन में मध्य भारत और उत्तर भारत के कई इलाकों में जो है वो यानी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड, इस रीजन में जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन भी जो है वो सामान्य से ज़्यादा वर्षा अक्टूबर के दौरान देखने को मिलेगी। और अक्टूबर में जो है वो अभी जो है वो साइक्लोन जो नोरू है वो बंगाल की खाड़ी में आ चुका है और उसका अवशेष जो है वो सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है और ये सर्कुलेशन के रूप में अब जो है वो अगले 24 घंटे के दौरान जो है कम दबाव के रूप में जो है वो बंगाल की खाड़ी में रहेगा और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा और डिप्रेशन के रूप में जो है ये भारत के तटवर्ती रीजन यानी कि उत्तरी कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाकों में जो है वो ये टकरा सकता है विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास से जो है ये लैंडफॉल करेगा और उसके बाद जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का इलाका और उसके बाद जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने की संभावना जो है वो इस सिस्टम की रहेगी। इसके बाद जो है वो एक कम दबाव का क्षेत्र जो है वो दक्षिण बंगाल की खाड़ी में बनेगा जो कि जो है वो दक्षिण भारत की तरफ यानी तमिलनाडु, कर्नाटक की तरफ से जो है वो अरब सागर की तरफ आगे बढ़ेगा और उसके बाद जो है कि 15-16 अक्टूबर के आसपास जो है वो उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जो है वो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा जो कि उसका भी जो ट्रैक्शन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो कि मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना है उस सिस्टम के चलते और अक्टूबर के आखिर तक जो है वो मध्य बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावनाएं भी जो है वो नज़र आ रही हैं। मौसम विभाग ने जो है वो 3 से 4 जो है वो अक्टूबर के दौरान कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना जताई है जबकि एक डिप्रेशन और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो अक्टूबर के पूरे महीने के दौरान देखने को मिलेगी और अक्टूबर में जो है वो पूरे देश में जो है औसत से ज़्यादा बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है और यानी कि सामान्य से ज़्यादा बारिश अक्टूबर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। हालांकि जितनी बारिश होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा बारिश जो है वो अक्टूबर में देखने को मिलेगी जिसका प्रभाव जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही एक धमाकेदार बारिश जो है वो पूरे भारत में देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो सिस्टम है अभी धीरे धीरे इंटेंसीफाई होगा। पूरे देश का जो है वो मौसम अगले 10 दिनों के दौरान जो है सभी भागों में बारिश की संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।